खून की नदी, ब्लीडिंग ऑर्डर्स और हजारों रहस्य, कुछ ऐसी है यह कहानी। लोग कहते हैं कि भारत में पीरियड्स को एक निषेध की तरह देखा जाता है और यह बात सही है, पर जिस भारत को मैं जानती हूँ वह भारत कुछ अलग है। मेरे भारत में औरतों की पूजा होती है और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, इसके साक्षात प्रमाण भी हैं। कामाख्या देवी मंदिर, क्या आपने कभी यह नाम सुना है? भारत के गुवाहाटी असम में स्थित यह मंदिर चमत्कार शक्ति और रहस्य का एक ऐसा प्रमाण है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। जहां एक तरफ देश में लड़कियों को पीरियड्स के समय रसोई से, मंदिर से और कई बार घर के लोगों से भी दूर रखा जाता है, सोने के लिए अलग बिस्तर और खाने के लिए अलग बर्तन दिए जाते हैं, वहीं असम के कामाख्या देवी मंदिर में देवी की दिव्य योनि की पूजा होती है। यह एक ऐसा मंदिर है जिसमें कोई भाव और सुंदर मूर्ति नहीं है, यहाँ देवी की योनि की पूजा होती है। यह मंदिर सती माँ के 51 शक्ति पीठों में से एक है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है और आपको वीडियो के एंड तक ऐसी कई जानकारियां मिलेंगी जिन्हें आप नहीं जानते थे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। शक्तिपीठ क्या है और यह कैसे बने? माता सती, जो कि भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती थी, दिन रात भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी और भगवान शिव को पाने के लिए तब भी किए। उनकी भक्ति को देखकर शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। पर माता सती के पिता राजा दक्ष को यह रिश्ता मंजूर न था, क्योंकि जहाँ एक तरफ माता सती महलों की राजकुमारी थी, वहीं महाकाल शमशानपति, जो राजा दक्ष नहीं चाहते थे कि यह शादी हो, और इसलिए उन्होंने माता सती को बहुत बार समझाया कि वह महादेव से शादी ना करें, पर वह नहीं मानी और शादी करके महादेव के साथ कैलाश पर रहने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब माता सती अपने पिता से मिलने गईं, और जब वह गईं तो उन्होंने देखा कि यहाँ एक यज्ञ चल रहा है और सभी देवी देवता वहाँ उपस्थित थे, पर इस यज्ञ का निमंत्रण भोलेनाथ को नहीं दिया गया। वह इस बात से अत्यंत आहत हुई और सती माता ने अपने पिता से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो राजा दक्ष ने सभी देवी देव के सामने ही महादेव को अपमानित करना शुरू कर दिया। शिव की अर्धांगिनी सती यह सब कुछ देख नहीं पाई और बहुत ही दुखी हुई और उन्होंने यज्ञ के अंदर ही बैठकर अपने प्राणों को त्याग दिया। जैसे ही यह बात महादेव को पता चली, वे अत्यंत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने माता सती को अपनी गोद में उठाया और ब्रह्मांड का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। इससे विनाश निश्चित था। सब कुछ एक एक करके तहस नहस होने लगा और इसी विनाश को रोकने के लिए विष्णु जी को अपना सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा। सुदर्शन चक्र चलने की वजह से माता सती के शरीर के 51 हिस्से हो गए और जहाँ जहाँ 51 हिस्से गिरे वहाँ आज 51 शक्ति पीठ स्थित हैं और इस समय देवी की योनि जहाँ पर गिरी वहाँ आज ये प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर है। यह मंदिर 8वीं सदी के आसपास बनाया गया था और आज भी यहाँ हर दिन हजारों भक्तों की भीड़ दर्शन करने आती है। यहाँ किसी मूर्ति का ना होना और योनि का पूजन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इट्स इज एन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साइकिल ऑफ द लाइफ, बर्थ और जनरेशन। हर साल कामाख्या देवी मंदिर में अंबुबाची मेला लगता है और यह बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन है। हर साल जून के महीने में 3 दिन के लिए मंदिर के पास की पहाड़ी से निकलते ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। साइंटिफिकली इस बात पे भी बहुत डिबेट्स होती रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नदी का पानी इसलिए लाल होता है क्योंकि वहाँ की मिट्टी में आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और मानसून के महीने में सेंडिमेंटेशन प्रोसेस और एक अलग तरह का प्रेजेंस में यह पानी लाल हो जाता है। पर फिर ये सवाल है कि आयरन की क्वांटिटी एक साल में सिर्फ 3 दिन के लिए ही ज़्यादा क्यों होती है? माना जाता है कि हर साल जून के 3 दिन देवी माँ मासिक धर्म के 3 दिन होते हैं और इसलिए मंदिर के पास बाटी हुई नदी का पानी लाल हो जाता है। इस 3 दिनों के लिए देवी माँ के दर्शन रोक दिए जाते हैं और माना जाता है कि देवी माँ 3 दिन सिर्फ विश्राम करती हैं। 3 दिन के बाद जब मंदिर खुलता है तो अंबुबाची मेला उसके सेलिब्रेशन में लगाया जाता है। अब मान्यताएं तो यह हैं, पर बहस करने वाले लोगों का तो कोई इलाज नहीं है। लोगों का कहना तो ये भी है कि मंदिर के पुजारी नदी में लाल रंग का सिंदूर मिला देते हैं ताकि इसका पानी लाल हो जाए। चलो हम ये
हम ये भी मान लेते हैं यह बात सच है, पर एक बार अंदाज लगाकर देखो कि ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका पानी कंस्टेंटली फ्लो कर रहा है, उसे लाल करने के लिए कितना सिंदूर डालना पड़ेगा, और क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। खैर जो भी हो, हर साल मंदिर के खुलने के बाद अंबुबाची मेला लगता ही है, जो कि किसी भी त्यौहार से कम नहीं होता। ये मंदिर सिर्फ अपने रहस्यों के लिए ही नहीं, बल्कि एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, और वो है तंत्र विद्या। एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है जिसमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश की जाती है। कामाख्या देवी मंदिर में मिलने वाले सिंदूर की भी काफ़ी मान्यता है। ये सिंदूर देवी को चढ़ाया जाता है और इसे तंत्र विद्या के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। पर जैसे कि हम जानते हैं कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, वैसे ही कुछ लोग इसे अच्छे कामों के लिए तो कुछ लोग बुरे कामों के लिए तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं। कामाख्या मंदिर ने भी बहुत से इन्वेजन और डिस्ट्रक्शन देखे हैं, कुछ ह्यूमन इन्वेजन तो कुछ नेचुरल कैलमिटीज़। इस मंदिर के कुछ मेजर इन्वेजन में से एक है इन्वेजन ऑफ द काला पहाड़। 16वीं सेंचुरी में एक मुस्लिम जनरल काला पहाड़ ने इस मंदिर को पूरी तरीके से विध्वंस कर दिया था। इन्विजन्स के बाद मंदिर को डेवलप और रिकंस्ट्रक्ट करने में एक बहुत बड़ा नाम है। एंड होम डायनेस्टी का ओम किंगडम ने असम पर कई सौ साल तक राज किया, और मंदिर की रिचुअल प्रैक्टिस और डेवलपमेंट में इनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। पर जोड़ने तोड़ने के बटन पे यह कहानी ख़त्म नहीं होती। मंदिर को ब्रिटिश रूल के दौरान भी बहुत नुकसान पहुंचाया गया। ब्रिटिशर्स हमेशा से चाहते थे कि सारे टेंपल अफेयर्स और रिचुअल उनके अकॉर्डिंग चलने चाहिए, पर खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाया। वरना हमारे कल्चर और एजुकेशन सिस्टम की तरह यहाँ भी दीमक लगना निश्चित था। आज भी हम सब बहुत बार सोचते हैं कि भगवान सच में होते हैं क्या, हम जिनकी पूजा करते हैं वह सिर्फ पत्थर नहीं एक शक्ति है। एक बार अपने आसपास चारों तरफ देखो और सोचो, क्या बिना किसी शक्ति के यह सब हो पाना संभव था। कामाख्या देवी जैसे ही सैकड़ों मंदिर हैं हमारे देश में, जहां साइंस ने अपने हाथ खड़े कर दिए, रिसर्चर्स को आज तक इन चीज़ों के जवाब नहीं मिल पाए और किसी के भी पल्ले कुछ नहीं पड़ा। इसे चमत्कार के सिवा क्या बोलेंगे। तो यह थी कामाख्या देवी मंदिर की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और इसके साथ ही अगर आप और रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।